20,000 की है। लड़का बताता नहीं है आपको असली बात। हिंदी में बोल ले रही है, उसको आती नहीं है। बस मजे कर। $115 पे मैं बैठी थी। दूसरों की थाली में घी ज्यादा लगता है। मौसम है सुहाना। इस लड़के को अपने यूट्यूबर होने का आज फायदा हुआ, आज 20% डिस्काउंट मिला है। लड़का बताता नहीं है आपको असली बात मैं बताऊंगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 20% डिस्काउंट तो गेम बजाना पड़ेगा। 20% डिस्काउंट आना आप लोग रामाकृष्णा रेस्टोरेंट में यहाँ पर हनोई में, क्योंकि ये इकलौता रेस्टोरेंट है जो कि प्योर वेजिटेरियन है और खाना भी अच्छा है और बढ़िया प्राइस के। तो ऐसा नहीं है कि हम पेड प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ, ये मतलब है, हम आए ही नेचुरली थे, नेचुरली खाए। वो तो उन्होंने बाद में हमको शूट करते हुए देख के बोला, ठीक है चलो तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुमको 20% डिस्काउंट दे देते हैं। 20,000 रुपये की आइसक्रीम आ चुकी है। 20,000 की है, 20,000 डैंग की है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लगभग 70 रुपये के आसपास है। हालांकि ये सॉफ्टी है, अभी गिरा मत देना। और यहाँ पर इस पे मिलती है आइसक्रीम, और ये देखो घंटी भी लगा रखी है, बेल लगा रखी है, अलग अलग फ्लेवर में है। मैं भी ट्राई करता हूँ कैसी है ये आइसक्रीम। आखिर कैसी होती है 20,000 वाली? बहुत अच्छी तो नहीं है। अजीब सा टेस्ट है, ट्राई करना आप कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे नहीं पसंद आई। ग्रैंड मर्करी से जा रहे हैं अब दूसरे कैसीनो में, इस बढ़िया सी लग्जरी कार में। किया आ गई है अपने पास। यहाँ सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे जो टैक्सीज भी चलती है ना, वो इतनी लग्जरी होती है कि अमीर अपने आप फील आने लगता है। पैसा ही पैसा होगा। एक बैग के लिए भी एक रखना पड़ेगा, एक रहना चाहिए था हम लोग के लिए। पोर्टर टाइप में कुछ उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद और ये शेह छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। हमारे इंडिया में ऐसी किया नहीं आती है? आती है, थोड़ा मॉडिफाई करानी पड़ती है, मतलब ये वाली नहीं आती है। मत पूछ, बस मजे कर। हेलो, यहाँ ड्राइवर रोड की साइड लगता है। हाँ, यहाँ आप देखेंगे एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे बाकी किसी एशियन कंट्री में लेफ्ट साइड में, हाँ ये रहते हैं हम लोग की तरफ। इंडिया में इधर है, मेरी पंच में मैं इधर बैठता हूँ। दिखाऊंगा था मैं कि आपके पास पंच है। क्या ही दिखाऊं, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी टैक्सी में चल रही है तो मेरी पंच की फिर क्या ही हैसियत रह जाती है। अपनी होती है, अपनी मेहनत की कमाई की है, बहुत नाजों से खरीदा है उसे। खैर भले ही चलाने रहे हो। हाँ, 6 महीने में 1400 किलोमीटर चली है केवल, 6 से ज्यादा हो गए हैं। वो भी एक बार तो कोई और, एक दो बार तो कोई और चला लिए। हाँ, उतने में खड़े खड़े पंचर भी हो गई है एक आध बार। वो देखो आप ब्रिज सामने, वाह क्या नीला आ रहा है, फिल्म लगी है ना इसमें। अब जा रहे हैं नए कैसीनो की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, कैसा होता है। यहाँ पे तो भैया ब्रेक इवन पॉइंट पर थे, अब वो वाले कैसीनो पे ब्रेक इवन पे कहाँ थे, लास्ट में $20 भी नहीं छूटे थे, सारे खत्म हो गया था। वो तूने किया ना, मैंने तो कमा के दिया था। $115 में से $0 बचा था। नहीं, $45 लिया है मैंने। अब मैं ऑलरेडी $35 क्योंकि हार चुकी हूँ, तो मैं उसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इस बार मैं लगाने वाली ऑड पे, मतलब आप या तो एक पर्टिकुलर नंबर पे लगा सकते हो या फिर आप इवन ऑड में से किसी पे भी लगा सकते हो। ऑड दबाया तो कोई भी ऑड नंबर आया कुछ तो जीतोगे, इवन लगाया कुछ भी इवन नंबर आएगा आप कुछ तो जीतोगे। अगर एक पर्टिकुलर नंबर पे लगाया तो वो नंबर ही आना चाहिए, तो क्योंकि मैं 2 बार ऑलरेडी हार चुकी हूँ तो ये मेरा लास्ट ट्रायल है जिसमें मैं ऑड पे लगाने वाली हूँ। जय श्री राम। नाउ लेट्स सी, $20 मेरा लगा हुआ है ऑड पे।
12 सेकंड बचा है, 11 पहले से ही $60 हो चुका है मेरा बैलेंस, $20 क्योंकि मैं लगा चुकी हूँ। प्लीज भगवान इस बार तो ऑड नंबर आ जाएगा, ऑड 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 ऑड। नो मोर बेट्स, थैंक यू। The winning number is 18 red even. Place your bets, please. फिर से आ गया, मेरा दिन ही खराब है भगवान। तो इस तरह से ये प्रूव हो रहा है कि मेरा दिन बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो अब या तो मैं रिकवरी के लिए फिर से लगा दूँ तो मेरे $60 भी चले जाएंगे, क्या करूँ अब मैं? एक लास्ट ट्राई करूँ, लास्ट। $10 का ऑड नंबर, 20 नंबर लगा दिया। नो मोर बेट्स, थैंक यू। नो मोर बेट्स, थैंक यू। प्लेस योर बेट्स प्लीज। The winning number is 28 black even. Place your bets, please. मेरा तो एक भी नंबर ही लगा, मैंने कितने का नुकसान, $115 पे मैं बैठी थी और $40 पे आ गया मेरा बैलेंस। पूजा जीतने वाली है क्योंकि अब की बार कैमरे में मैंने शूट नहीं किया, अभी तक हो रहा था शूट। अब मैंने इसको बोला इवन नंबर पे लगाओ, मुझे पक्का यकीन है जीत जाएगी, मुझे पक्का यकीन है। देखते हैं मेरी किस्मत तेज ही है इसकी। तेरी किस्मत खराब है। मैंने सही चीज नहीं मंगवाई मुझे लग रहा है। मुझे ये पीना चाहिए था। तो यहाँ पे बढ़िया सा बना हुआ है बार जिसमें आप कुछ ड्रिंक वगैरह भी कर सकते हैं। अब मैं तो करता नहीं हूँ ड्रिंक, तो मैंने अपने लिए शुद्ध शाकाहारी बढ़िया सा लिया है ये बनाना शेक, और इसने लिया है ये लैटे। मुझे लगता है ये ट्राई करना चाहिए, देखने में ज़्यादा लुक वाइज अच्छा लग रहा है। दूसरों की थाली में घी ज़्यादा लगता है, इसमें शुगर होती तो अच्छा लगता, कड़वा ज़्यादा है, मुझे कड़वी कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पसंद है। अरे ये शुगर, इसमें बिना शुगर बोला था, ये तो शुगर के साथ बोला था। ये भी बिना शुगर है, ये तो बोला था। बढ़िया है, बढ़िया है, इसमें शुगर डलाना पड़ेगी। मज़ा आ गया। तो ऐसा नहीं है कि कसिनो ही कसिनो है, बढ़िया जो चीज़ें मिलती भी है ना वो खाने पीने की चीज़ें भी शानदार है यहाँ पर। तो खाते पीते गेम खेलिए और एंटरटेनमेंट की तरह ही लीजिए, ज़्यादा उस बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि उस वे में मत ले जाइए कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने हैं, आराम से रिलैक्स से पेशेंस के साथ खेलें और कमा के जाएं। हमने $100 कमा लिया, इसीलिए हम खा पी रहे हैं, नहीं तो शायद हमारे फेस पे ये एक्सप्रेशन ही ना होते। तो इस टेंपल तक जाने के लिए आपको एंट्री टिकट भी लेना पड़ेगा और वो है 30,000 वियतनामी डैंग, यानी कि लगभग 100 रुपये है। और ये मॉर्निंग 7 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है, फ्राइडे टू संडे, बाकी वीकडेज में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक टिकट लेते हैं। मैडम जी टिकट ले लीजिए, बहुत पैसा खर्च होता है, लाख रुपये लेते हैं लोग। पैसा क्यों ले रहे हैं, इतना पैसा दे के आए। इतनी प्रोफेशनल तरीके से बैठी है, कितनी अच्छी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठी है ऐसा लग रहा है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत बुरी और चिट्टी और सुंदर होती है, मेरे को देखो पिंपल हो रहे हैं, कभी बोए इधर हो जा रही है उधर, उनकी सही रहती है। थैंक यू। हिंदी में बोल ले रही है, उसको आती नहीं है, तो जो मन करे बोल लो। नहीं, सही बता रही हूँ।